अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्राउन राइस डोसा विद मूंगफली चटनी। तो ये है इंग्रेडिएंट्स, ये है उड़द का दाल और ये है ब्राउन राइस। तो मैंने इसकी मेजरमेंट से लिया है, जो कि एक ग्लास है पाव किलो का। तो मैंने लिया है 2 ग्लास ब्राउन राइस, 1/2 kg यानी कि 2 पाव, ठीक है। और ये लिया है मैंने 1 पाव यानी कि 1/4 kg, ओके। तो इसे हमें सेपरेट सेपरेट भिगो देने का है 5 से 6 घंटे के लिए। तो ये 6 घंटा हो चुका है, तो मैं सबसे पहले उड़द दाल को स्मूथली पेस्ट कर लूँगी, ओके। सबसे पहले दाल को पीस लूँगी अच्छे से, एकदम स्मूथली। अभी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, अभी इसे हम निकाल देते हैं। ये देखिए, अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। इसे अभी निकाल देते हैं हम और एक भगोने में डाल देते हैं। अभी हमारा दाल हो गया है पीस के, अभी मैं अपना ब्राउन राइस जो है इसे एकदम स्मूथली पेस्ट कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अभी हमारा पीस के हो चुका है, एकदम स्मूथली पेस्ट बना है। अभी इसे हम एक साथ में मिक्स कर लेते हैं। अभी मेरा दोबारा भी पीस के हो चुका है, अभी इसे हम इकट्ठा एक साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दोनों अच्छे, बाइंडिंग अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए, मैं हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी या फिर चम्मच की मदद से। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, इसे हम ओवरनाइट के लिए रख के रख देंगे। ये देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, देखिए अच्छा राइज हो चुका है ये। ये देखिए, परमेंटेशन अच्छा बहुत अच्छे से हो गया है इसका। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हम इसे छोटे वाले बर्तन में डाल देंगे, जितने हमें चाहिए। अभी मैं बनाने वाली हूँ डोसा, ये देखिए। अभी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी इसके अंदर और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दूँगी, ताकि बहुत गाढ़ा है ये। अब मैं आपको बता दूँगी डोसा बनाने का। ये देखिए, मैंने पैन लिया है बड़ा सा, डोसा पैन। अभी हम डोसे का बैटर डाल के इसे स्प्रेड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से स्प्रेड करना है। अभी हम इसे पलट देंगे, दोनों साइड से अच्छे से सेक देंगे इसको। अभी हमारा डोसा बन चुका है, इसे निकाल देंगे। अभी ये चटनी की तैयारी करेंगे हम। हमें चटनी के लिए चाहिए ये अदरक और ये है ज़ीरा छोटी चम्मच और एक कांदा
और एक कटोरी मूंगफली और 4-5 बेड़की मिर्च और लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी इमली और नमक। अब इन सब चीज़ों को हमें तेल में थोड़ा सा फ्राई करके लेना है। अब मैं लहसुन डाल रही हूँ, ज़ीरा डाल रही हूँ, कांदा डाल रही हूँ। इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, थोड़ा सा भून लूंगी इसे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा बेड़की मिर्च, ये देखिए, इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। अभी हम डालेंगे मूंगफली, ये सब मिला के अच्छे से भुनेंगे और 1 सेकेंड। अभी ये भुन के भी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अभी हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसे अभी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी चटनी बनके तैयार हो चुका है, एकदम स्मूथ एंड सिल्की। अभी हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हमारा डोसा बनके तैयार है, अभी हम इसे सर्व कर देंगे।